पास एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चपाती पर। मेरा नाम है पम्मी और आज हम एक बारी फिर से अपनी वीरान दी हट्टी को लेके जाएंगे एकदम सुपर लेवल के ऊपर। और गाइस आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीजें बाय करने वाले हैं। एंड वेलकम टू अवर हाउस। और हाउस की आती देख रहे हो क्या घने लेवल की बारिश पड़ रही है ब्रो। कोई बंदा इस बारिश में बाहर भी नहीं निकलेगा। और गाइस मैंने अभी नोटिस किया कि लास्ट वाली वीडियो में मेरी डर्टीनेस एकदम नियरली 100% तक पहुंचने वाली थी लेकिन अभी जब मैंने गेम लगाई तो एकदम से जीरो है। हेलो क्या बात है, एकदम मजे आ रहे हैं। मतलब कि अगर मैं गेम ऑफ करके फिर से ऑन करता हूं तो मेरे सारे स्टैट्स एकदम से जीरो पर आ जाएंगे। और अगर टाइम की तरफ देखें तो सुबह 7 बज चुके हैं और आपको तो पता है कि हमारी दुकान सुबह सुबह खुल जाती है। तो काम करते हैं गाइस, गाड़ी भगाते हैं और सीधा चलते हैं दुकान के ऊपर। नो चिप्स, हैंग ऑन अ सेकंड। लास्ट वाली वीडियो के अंदर में बहुत भारी मात्रा के अंदर डब्बे भरे भरे में चिप्स के लेके आया था और अभी ये लोग मेरे को बोल रहे हैं कि मेरी दुकान के अंदर चिप्स ही नहीं है। व्हाट द हेल, ये कैसे हो सकता है यार। ये भाई तो अपनी गाड़ी कहीं और जाके पार्क करना इस खटारा को। सॉरी, इस बंदे से पंगे नहीं लेने क्योंकि ये बंदा पहले मारता है बाद में बात करता है। मेरी चीजें कहां गई ब्रो, मैंने पूरी दुकान प्लास्टिक में भर के रखी थी। बस दुपड़े सबको सामान फ्री में दे रहा है क्या? मेरे को याद है गाइस, मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम वॉशिंग अप पाउडर रखे थे और यहाँ पर मैंने डायपर्स रखे थे, यहाँ पर डॉगीज का सामान था, यहाँ पर पूरे खाने पीने का सामान था, टी बैग्स पड़े हुए थे और यहाँ पर पूरी शेल्फ चिप्स की भरी हुई थी। अगर तू सब कुछ, मेरे को लगता है गाइस ये बंदा जो है अपने दोस्तों को डिस्काउंट में सामान दे रहा है। लेकिन एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले इसकी टिल चेक करते हैं। हेलो अंकल जी, तू पहले इस कस्टमर को सर्व कर ले। ले कुछ दिया ही नहीं, इसको स्पगेटी चाहिए, रुक मैं लेके आता हूँ। तो अगर मैं इसकी टिल के ऊपर क्लिक करूँ तो 452। अरे बाप रे बाप, ये बंदा तो एक्चुअली ईमानदार निकला भाई। इसने पूरी शॉप खाली कर ली, लिटरली सब कुछ बिक चुका है। जो आखिरी का टी बैग था वो भी बिक चुका है। तो काम करते हैं, सबसे पहले मेरे को अपनी शॉप का शटर बंद करना है क्योंकि ऑब्वियसली गाइस अगर कस्टमर शॉप के अंदर आएंगे और उसको सामान नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो मेरे को बैड रेटिंग देगी और मेरे को यहाँ पर बैड रेटिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर है जैबर की डिलीवरी का ऑप्शन। तो गाइस आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हम जैबर की शॉप के अंदर गए थे और उसने मेरे को बोल के रखा था कि मेरे को उसकी शॉप के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है, मैं लिटरली इस लैपटॉप से डिलीवरी मंगा सकता हूँ। तो अगर मैं इस लैपटॉप पर क्लिक करूं तो ये देखो मेरे पास सारे ऑप्शंस यहां पर आ चुके हैं। लेट्स गो। तो मेरे को यहां पे अभी प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो सबसे ज्यादा बिके थे हमारे डायपर्स, तो मेरे को तो बिना किसी सोचे समझे हमें यहां पर लेने हैं डायपर्स। हैंग ऑन अ सेकंड, इन लोगों ने डायपर्स की पढ़ाई है। वो ये क्या आ चुका है, वर्कर की सैलरी $50 और बैंक का लोन $50। भाई तू किस चीज के पैसे ले रहा है, तूने तो काम भी नहीं किया, अभी 2 घंटे पहले आया है, पैसे पहले मांग रहा है, व्हाट इज दिस ब्रो। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना। इसका मीटर एकदम से डाउन है तो मुझे इसके मीटर के एकदम से फुल ऑन फायदा उठाना है और इसको काम पे लगाना है। तो नॉर्मल प्राइस है डायपर्स की $80 लेकिन अभी मेरे को दे रहा है $89 में और प्लस $10 डिलीवरी। भाई व्हाट इज दिस, $10 डिलीवरी कौन देता है और मैं ऑर्डर भी नहीं कर पा रहा, व्हाट द हेल। लेकिन अगर मैं कॉफी ऑर्डर करूं, ओके मैं कॉफी ऑर्डर कर सकता हूं, आई थिंक डायपर उसके पास स्टॉक में नहीं होंगे। तो सुबह का टाइम है तो कस्टमर्स लोग कॉफी वगैरह ज्यादा पीते होंगे। तो कॉफी का नॉर्मल प्राइस है $33 लेकिन मेरे को अभी मिल रहे $27 में, लेकिन उसके ऊपर मेरे को $10 डिलीवरी देनी पड़ेगी। फिलहाल मेरे को ऑर्डर करना है लेकिन गाइस मैं सोच रहा हूँ क्या आया कि नहीं आया। ओके एक्चुअली आ चुका है। तो ये एकदम से बढ़िया काम है यार, मतलब कि मेरे को एक एक चीज जाके बाय करनी नहीं पड़ेगी। अरे मेरा बहुत टाइम बच जाएगा यहाँ पर। ये क्या है, वाइल्ड कॉफी, जंगली कॉफी दे रहा है मेरे को। यू नो जैबर मेरे को बोल रहा है कि मैं $10 चार्ज करूंगा पर आइटम डिलीवरी के। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 आइटम्स मंगा ली तो मेरे $100 तो वैसे ही चले जाएंगे और मैं $100 का अपनी दुकान के लिए स्टॉक ले सकता हूँ। ब्रो मेरे को ऐसे पैसे वेस्ट नहीं करने यार, मेरे को लोन भी देना है, उस नूबड़े की सैलरी भी देनी है जो दुकान के अंदर काम कर रहा है, अपना बिजनेस भी आगे लेके जाना है और मेरे को आज वाली वीडियो में एटलीस्ट एक ना एक बाथटब लेना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम मेरे को नाले के अंदर नहाना पड़ा। और पता ना गाइस आप सोच रहे हो ना कितना हार्ड होता है नाले के अंदर नहाना, अबे नूबड़े कुछ काम कर ले, न्यूज कम से कम न्यूज पेपर बेच ले। और गाइस आपको याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने न्यूज पेपर स्टैंड भी बाय करके रखा हुआ था जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है। और ये मेरे को अगर यहाँ पे फुल ऑन बिजनेस करना ना तो मेरे को सस्ते में चीजें बाय करनी पड़ेंगी।
मेरे को एक नई गाड़ी भी लेनी पड़ेगी यार, और मेरी डिलीवरी के लिए गाड़ी पूरी छोटी पड़ रही है। गाड़ी के अंदर लिटरली मैं 3-4 डब्बे डाल पा रहा हूँ यार, मेरे को मोटा माल डालना गाड़ी के अंदर। ओके तो गाइस, आज की वीडियो का मोटिव एकदम सिंपल है भाई, क्या ड्रिफ्टे मार रहा हूँ मैं यहाँ पर। और मैं आज तक कभी इस बर्गर वाली शॉप पे भी नहीं आया, मेरे को लगता है कि ये बहुत फैंसी वाली शॉप है, इसके अंदर बर्गर जो है एकदम हाई लेवल के महंगे महंगे बर्गर बिकेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, बर्गर वगैरह तो यहाँ वहाँ से खा ही लेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आज की वीडियो का हमारा मेन टारगेट सिंपल है, मेरे को पूरी शॉप भरनी है और अपने लिए एक बाथ टब लेना है। ये जैबर का हमर गया। ओके तो गाइस, ये रहा जैबर का स्टोर। ओके तो मैंने कॉफी बाय करके रखी थी, आई थिंक $27 की मैंने ली थी। सबसे पहले मेरे को गाड़ी की ब्रेकें सेट करनी पड़ेंगी। ओके तो मैंने कॉफी बाय करके रखी थी जैबर से, ये रही वो कॉफी। तो ये कॉफी बिकती है, ओके सेम प्राइस है। मेरे को लगा था कि जैबर मेरे को एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो वो जैबर सिर्फ डिलीवरी का चार्ज कर रहा है। तो जैसा मैंने बताया ना कि अगर मैं 10 आइटम्स लेता हूँ तो मेरे को 10 बड़े डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, और वो मैंने नहीं देना भाई, मेरे को स्टॉक चाहिए। तो सबसे पहले कोक की बोतलें भी ले लो, इसको रखते हैं यहाँ पर, ये जाएगा बिल्कुल गाड़ी के ऊपर। उसके बाद मैंने कॉफी तो ले ली है, ये टी बैग्स बहुत ही ज्यादा बिक रहे हैं यार, ये टी बैग्स, तो ये भी ले लेते हैं। इसको भी रखते हैं बिल्कुल गाड़ी के अंदर। साथ में ये शैम्पू कुछ ज्यादा ही बिक रहा है, तो ये भी लेते हैं, इसको भी पहुंचाओ गाड़ी के अंदर। अरे मैं तो भूल गया, मेरी शॉप के ऊपर जो बेसिक सामान है चाय बनाने का वो भी नहीं है। मैं चाय की पत्तियां तो ले रहा हूँ, लेकिन मैंने दूध की बोतलें तो ली नहीं। लेकिन अभी मेरे को ख्याल आ चुका है कि ये गेम एक्चुअली रियल लाइफ में चल रही है, तो मतलब कि अगर मैं दूध की बोतलें लूंगा और मेरे पास फ्रिज नहीं होगा तो दूध की बोतलें खराब हो सकती है। तो मेरे को सबसे पहले जाके फ्रिज भी लेना है। पता नहीं लग रहा कि नुकसान हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। और स्पेगेटी, मेरे को याद है सुबह एक कस्टमर आया था, उसने मेरे को बोला था कि उसको स्पेगेटी चाहिए, तो यार स्पेगेटी का डब्बा भी मैंने उसके लिए लेकर रखा हुआ है। और हमारे डॉग फूड, कैट फूड, इम्पॉर्टेंट चीज ब्रो, ये भी जाएगा बिल्कुल गाड़ी के ऊपर। ओके गाइस, आई थिंक अभी इतना सामान आज के लिए काफी होगा, तो एक काम करते हैं फटाफट से, मेरे को जीरो दबा के इसका दरवाजा बंद करना है, और इससे पहले कि सारे कस्टमर्स खाली जाएं, फटाफट से गाइस शॉप के अंदर जाके सारा सामान लोड कर देते हैं। क्योंकि ये बैंक वालों का और जो हमारा बंदा जो काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे फिलहाल अज्जू भाई, जो अज्जू भाई शॉप के ऊपर काम कर रहे हैं उसका मीटर डाउन है भाई, घर जाना चाहिए उसको। जब शॉप के अंदर कस्टमर उत्तरी में गलत जा रहा हूँ, शिट। ओके काम कर रहा है, सामने से भी रास्ता है मेरे को पता। तो यार मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अज्जू भाई जब शॉप के अंदर काम नहीं हुआ तो भाई घर जाओ यार, क्यों अपने मालिक को नुकसान करवा रहे हो यार तुम लोग। अरे फर्नीचर शॉप, एक काम करते हैं गाइस, बाद में आने से अच्छा है अभी फर्नीचर शॉप के अंदर चले जाते हैं और अपने लिए एक बाथ टब लेना है। पता नहीं कितने का होगा यार ये बाथ टब। अबे उतर यार, बेकार ब्रेक किया गाड़ी की। और ये देखो, अरे फ्रिज कितने का है? $750। ओके फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अगर मैं फ्रिज लूंगा तो बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी के बाहर पूरा सिस्टम चला जाएगा। ओके मेरे को फ्रिज नहीं लेना, मेरे पास टॉयलेट ऑलरेडी है। और ये रहा अपना बाथटब। अबे डिस्काउंट सर जी, हेलो, अरे मैं बिजनेस वाला बंदा हूँ, बिजनेस वाले बंदे को तो डिस्काउंट मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं अभी फिलहाल भाव तोल नहीं करते क्योंकि मेरे को बाथटब लेना ही लेना है। तो $250 और जेब में से गए। यार तुम कितने भाई हो प्लीज, ये लोचा हो रहा है यार। चलो कोई बात नहीं गाइस, गाड़ी घुमाते हैं, बारिश का मौसम तो आ चुका है और मेरे को लगता है कि बारिश के मौसम के अंदर हमारी शॉप सुपर बिजी होने वाली है, लेकिन बिजी तभी होगी ना, प्रॉफिट तभी होगा जब शॉप के अंदर स्टॉक होगा। मेरी शॉप एकदम से खाली पड़ी हुई है और मैं एकदम से रैंडमली गलियों के अंदर घूम रहा हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहुंच चुके हैं हम एक बार एक कार शॉप। अरे वेट यो, मैं यहाँ से अपने लिए गाड़ी बाय कर सकता हूँ। हैंग ऑन अ सेकंड, पूरे पूरे ट्रक बिक रहे हैं यार यहाँ पर तो। ए मैं ट्रक लेके क्यों नहीं जा रहा, फरारी। ओ भाई मेरे को ये फरारी लेनी है किसी भी हालत में। प्रेस एफ टू ड्राइव, यू डोंट हैव, यू डोंट ओन दिस व्हीकल। तो मतलब कि ये गैरेज है। अरे अरे चलो, ये वाला थोड़ा बहुत घुल मिलने की कोशिश कर रहा है, अपना भूता छुपाने की कोशिश कर रहा है। लिटरली इस बंदे ने चश्मा पहन के रखा हुआ ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। हाँ ये एकदम नया बंदा है, ये उनकी फैमिली में से नहीं है। ओके तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे को लेनी है स्पोर्ट्स कार। भाई साहब इतने पैसे नहीं है मेरे पास। एंड वंस अगेन गाइस, वेलकम टू पटियाले की दुकान, लेट्स गो। ओके सामान मेरे पास कुछ ज्यादा ही आ चुका है यार, थोड़ा बहुत हमारा ड्राइविंग में हार्ट टाइट है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, गाड़ी को रोकने का ये तरीका एकदम मस्त है। यहाँ से सबसे पहले मेरे को डब्बा उठाना है, डब्बे को रखना है अंदर। हाँ मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बॉस बारिश के अंदर जाके सामान उतार रहा है और तू यहाँ पर काम करने की एक्टिंग कर रहा है, लेट्स गो। हाँ मेरे को हेल्प नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल भी गीला नहीं हो रहा, हाँ ये बारिश मेरे ऊपर असर ही नहीं करती। अभी यहाँ से मेरे को गाड़ी की डिगी खोलनी है और निकालो ये बड़े बड़े जैम के डब्बे जो कि मेरे को रात रात मिलियनेयर बनाएंगे।
तो लीजिए गाइस, हमारा ग्रोसरी का सामान तो पूरा आ चुका है और अभी मेरे को एकदम से सॉर्ट वाइज रखना है और सारी चीजों में से ना मैं एक एक चीज निकाल लेता हूँ ताकि कस्टमर आए तो खाली ना जाए। तो डॉग फूड यहाँ पर जाएगा, तो ये जाएगी यहाँ पर, धोने धोने का सामान जाएगा बिल्कुल यहाँ कोने के अंदर इस वाले शेल्फ के ऊपर, और उसके बाद डिटर्जेंट भी जाएगा यहाँ पर, एंड फाइनली मेरे को चाय रखनी है। अरे भाई साहब, चाय की कुछ ज्यादा ही डिमांड चल रही है यहाँ पर। एंड फाइनली आखिर में मेरे को ये रखना है क्लीनिंग स्प्रे, और थोड़ी बहुत इज्जत मैंने रख ली अपनी दुकान की, और यह दुकान के अंदर काम कुछ ज्यादा ही जोर शोर से चल रहा है। लेट्स गो, सब कुछ बिक रहा है ब्रो, सब कुछ। और अगर मैं एक बार फिर से इसकी डील चेक करूं तो लेट्स गो, $138 प्रॉफिट जेब में, और अभी जाके मेरे को नूबड़े बैंक से मिलना क्योंकि मेरा खाता एकदम से माइनस में चल रहा है। हेलो गाइस, ये बंदे बहुत ज्यादा खतरनाक है यार, अगर इनको टाइम से पैसे नहीं मिले ना तो ये घर में आके डंडे मारेंगे, वो भी सर के ऊपर। गाइस ये फंडा यहाँ पर समझ चुका हूँ, मेरे को बार बार जाके वो जैबर से नहीं मिलना, ठीक है, मेरे को डिलीवरी यहीं पे करनी है, नहीं तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा यार। फ्लावर ये भी ले लेते हैं यहाँ से, हैंड क्रीम सब कुछ ले लो, भैंस की मेरे को पूरी शॉप अपनी भरनी है ब्रो, रात को मैं सोना ही नहीं है, पूरी शॉप भरनी है। कैचअप भी चाहिए भाई, लास्ट टाइम मेरे को याद है कि मैंने कैचअप मंगा के रखी थी, रातों रात बिक गई। ओके, दूध नहीं मंगाना क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं है, हम मंगाएंगे ऑलिव्स, अरे ब्रो बहुत ज्यादा टेस्टी होती हैं ऑलिव्स, सो लेट्स गेट ऑलिव्स एज़ वेल। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना एक और शेफ लगाई जाए यहाँ पर, और मेरे को पता है कि दुकान के पास ही एक दुकान है जहां से मैं शेल्फ खरीद सकता हूँ, और ये मेरे को अभी याद आया कि ये सारा मोहल्ला जो है 9 बजे बंद हो जाता है। व्हाट इज दिस ब्रो, तो मेरे को शायद कल सुबह खरीदनी पड़ेगी। लेकिन गाइस मैं कल वाले दिन की बिल्कुल ही वेट नहीं करूंगा, मुझे अपनी दुकान कल के लिए एकदम से रेडी करनी है, पूरी दुकान भरी होनी चाहिए। और ये देख रहे हो आज कल का दुकानदार रात के अंधेरे में बारिश के अंदर काम कर रहा है, ओ माय गॉड। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, इसी में ही मेरे को प्रॉफिट नजर आ रहा है, बस दुकान का एकदम से कैश फ्लो जो लोन वगैरह दिया सब चुक जाए ना, फिर लाखों में खेलेंगे, फिर फरारी अपने घर के बाहर ही खड़ी होंगी। फाइनली हमारा अंडों का बॉक्स आ जाएगा नीचे से बिन के ऊपर, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह भी बचे नहीं है ब्रोस। तो ये गाइस हमारे डोनट्स, अरे डब्बे, और साथ में एग्स, और ये देखो गाइस हमारी शॉप एकदम से खिल चुकी है, हमारी कॉफी, हमारी शुगर, ना शुगर, हमारा फ्लावर, और हमारा ये क्या है, ये फ्राइंग ऑयल, कैचअप, जैम, डॉग फूड, ये हैंड स्प्रे, क्लीनिंग का सामान, ये क्या है, फैब्रिक क्लीनर, अरे देख रहे हो डाइपर, सन क्रीम, ये चावल और स्पगेटी थी, सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, और बस मुझे आज देखते हैं कि मैं कितने पैसे यहाँ पर कमा सकता हूँ। हेलो अंकल जी, ला दे फिर एक बर्गर सवेरे सवेरे, पूरे पैसे मैंने खा लिए। भाई तेरी दुकान एकदम बेकार है यार, मेरे को 3 बारी पैसे खर्च करने पड़ रहे ताकि मेरी भूख मिटे। और अगर गाइस मैं अपने स्टैट्स चेक करूं लैपटॉप के ऊपर, तो मेरे को मिल रहा है यहाँ पर जूस की मशीन जो कि $250 की है, और ऑफ कोर्स ये वाली चीजें जो है जैसे जूस की मशीन होगी, कॉफी मशीन होगी, और ये सैंडविच स्टैंड, एक्सप्रेसो मशीन, ये सारे मेरे को एक्चुअली में जो है रियली में एक्स्ट्रा प्रॉफिट देने वाले हैं। और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे गाइस हमारा बिजनेस बढ़ता रहेगा, हम धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाते रहेंगे। और दुबलों ने बिजली काट दी, देखो कस्टमर जी आइए, मैंने यहाँ पर अपनी टॉर्च पकड़ के रखी हुई है, तो यह मैं आपको सब कुछ एक एक चीज करके दिखा दूंगा। ए व्हाट, मतलब कोई लाइट जा चुकी है फिर भी कस्टमर आ रहे हैं, देखी मैंने आज के बाद कभी बिजली का बिल देना ही नहीं है क्योंकि मेरा बिजनेस एकदम से मस्त चल रहा है यार। लेकिन ऑब्वियसली गाइस अगर बिजली होगी तो कस्टमर जो है आराम से चीजें देख सकते हैं। हेलो कस्टमर जी, अंडे लीजिए, फ्रेश अंडे हैं, नए नए आए हैं, फ्रेश अंडे से क्या लिए, हैंड वॉश, चलो कोई बात नहीं। अंडे पकाने के लिए सबसे पहले आपको हाथ धोना पड़ेगा, अंडे मेरे को बिक जाएंगे, मेरे को लगता है कि सारी चीजें आज बिक जाएंगी, आज भाई हमारी सेल, हमारी इनकम तिगनी होने वाली है भाई, कस्टमर पे कस्टमर आ रहे हैं। तुम लोग आ कहां से रहे हो, बाहर तो कोई है भी नहीं, नो ब्लीच, अरे जो ब्लीच नहीं है तो वॉशिंग पाउडर डाल ले टॉयलेट के अंदर। अरे यार मेरे अंडे सड़ गए, अभी तो मैं लेके आया था। व्हाट इज दिस ब्रो, मेरे अंडे सड़ चुके हैं यहाँ पर, मैं अभी 2 सेकंड पहले अंडे लेके आया था, नुपड़े तेरे को अंडे बेचते थे, अब ये सारे बिन में जाएंगे, फायदे की जगह यहाँ पर नुकसान हो रहा है यार। यहाँ पर पूरा दिन बीत गया गाइस अंधेरे के अंदर काम करते करते, और ये बारिश अभी तक बिल्कुल खत्म भी नहीं हुई है। और अभी मैंने एक और बात नोटिस किया, और वो ये है कि मैं यहाँ पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स बाय करने के लिए अपनी शॉप की रेटिंग लेके जानी पड़ेगी 50% तक। मैंने अभी यहाँ पे नोटिस किया कि ये जो चीज थी ये भी खराब हो चुकी है यार, आई थिंक यहाँ पर मैंने दूध की बोतल लगा कर रखी थी, मैं भूल गया था कि दूध की बोतलें नहीं लेनी। और लीजिए गाइस हमारी शॉप एकदम
से बंद हो चुकी है। मेरे को याद है कि वीडियो की शुरुआत में मेरे पास $25 थे, तो अगर मैं फिर से एफ दबा के कैश अप करूं तो टोटल 700। भाई आज का बिजनेस एकदम जबरदस्त था, पूरी शॉप मेरी अभी तक बची हुई है। तो काम करते गाइस, शॉप को यहाँ से बंद करते हैं और सीधा चलते हैं घर, क्योंकि मेरे को नहाना भी है। मेरी डर्टीनेस एकदम से 98% तक पहुंच चुकी है। भाई मेरे को लगता है कि अगर मैंने अपने आप की सफाई नहीं की ना, तो ये लोग मेरे को गेम से बाहर ही निकाल देंगे। एंड वेलकम होम। क्या यार, ये बहुत ही घटिया लेवल की ब्रेक है मेरी गाड़ी के अंदर। और एक बार फिर से गाइस, मैं इतना गंदा हो चुका हूँ ना, मैं भाग भी नहीं पा रहा। अब भागम दौड़ी का और गंदगी का क्या लिंक है मेरे को नहीं पता, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस। मेरे को क्यू दबाना है और अपनी इन्वेंटरी से अपना बाथ टब निकालना है, और ये हम ऑब्वियसली रखेंगे अपने टॉयलेट के अंदर। लेट्स गो। और ये जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल कोने के अंदर जाना चाहिए। व्हाट, क्या बात कर रहे हो? उन लोगों ने घर की बिजली भी काट दी क्या? What the hell? पूरी हॉरर गेम बन चुकी है यार ये तो। ओके, बाथटब लगते हैं यहाँ पर और नहा लेते हैं पहले। अभी थोड़ी बहुत जान में जान आई तो सोते हैं यहाँ पर यार। भाई गलत बात है, शॉप की बिजली भी काट दी और घर की बिजली भी काट दी, गलत बात है, एकदम से गलत बात है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम तरक्की करेंगे, एकदम ऊपर लेवल तक पहुंचेंगे हम यहाँ पर शॉप वाले बिजनेस के अंदर। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना काफी है। नेक्स्ट वाली वीडियो में मेरे को डेफिनेटली अपने लिए फ्रिज लेना है, और मैं कोशिश करूंगा कि बड़े वाला ट्रक भी लूं ताकि हम अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सके। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।